अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल आज की जो वीडियो है वो कुछ इस हवाले से है कि लास्ट वीडियो से कंसर्न है जो कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पर बनाई थी तो ये वीडियो मैं पार्ट टू कंटिन्यू करूँगी इसमें भी इसी सेंटेंस को जो है मैं कवर अप करूँगी और नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा सोचा हुआ है वो इस हवाले से कि पर्शियन लैंग्वेज में जो हमारे पास ईडियम्स हैं ज़र्बुल मिसल जो ज वो बहुत ज़्यादा मैंने कहीं भी नहीं देखे सोशल मीडिया पे तो मैंने सोचा है वो मैं कवर करूँगी बहुत ज़बरदस्त टाइप की हमारे पास पर्शियन लैंग्वेज में जो है ये एडियम्स होते हैं और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं आप लोगों के सजेशन है आप लोगों के आइडियाज़ हैं मेरे लिए इंतहा इंपॉर्टेंट है आप कमेंट ज़रूर किया करें सजेशन ज़रूर दिया करें और वीडियो को एक लाइक like ज़रूर किया करें ठीक है सो देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है लेट्स गो टू वॉज द वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस एज आई टोल्ड यू दिस इज़ पार्ट टू सबसे पहले हम उर्दू का सेंटेंस सॉरी फारसी का सेंटेंस देखते हैं मन दोख साख्तन मी क्वनम मन दो साख्तन मी क्वनम उर्दू में इस तरह से कहेंगे मैं लस्सी बना रही हूँ आई एम मेकिंग बटर मिल्क अब मैंने यहाँ पे व्यूवर्स बटर मिल्क क्यों यूज़ किया है क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इस ड्रिंक को यूज़ नहीं करते हैं। ये ड्रिंक एक्चुअली जो है ये एक साउथ एशियन ड्रिंक है बंगाल में पाकिस्तान में इंडिया में ईरान में इराक में भूटान में इस तरह की ड्रिंक पी जाती है लेकिन ये जो यूरोपियंस हैं हमारे और इंग्लिश पीपल है ये इस तरह के ड्रिंक यूज़ नहीं करते ना ही उनकी कंट्री में ये ड्रिंक बनती है तो जब नेटिव स्पीकर इस चीज़ को यूज़ नहीं करते उनके लैंग्वेज में वो वर्ड जो है वो क्वाइनेज नहीं होती है मे बी कि वो आगे इस वर्ड को क्वाइनेज करें या किसी और लैंग्वेज से इस वर्ड को लें यानी कि बोरोविंग करें तो तब हमारे पास ये वर्ड आएगा अदरवाइज़ मेरे पास अब ये वर्ड था नहीं तो मैंने यहाँ पर बटर मिल्क इसी यूज़ किया है नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है फारसी का मन बराई मास खरीदन मी रवम मन बराई मास खरीदन मी रवम उर्दू में इस तरह से कहेंगे मैं दही लेने जा रहा हूँ आई एम बाइंग यू गर्ड और करड नेक्स्ट देखते हैं व्यूवर्स क्या क्या है हमारे पास सेंटेंसेस यक फिल में जदी तमाशा मी कनम यक फिल्म जदी तमाशा मै उर्दू में इस तरह से कहेंगे मैं एक नई फिल्म देखने जा रही हूँ और इंग्लिश में फिर इस तरह से आई एम गोइंग टू वॉच अ न्यू मूवी फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास पर्शियन का है बराय फारदा बर रेजी मेकनम बराय फारद बर नॉमाय रेजी मेकनम सॉरी उर्दू में इस तरह से कहेंगे मैं कल के लिए तरतीब कर रही हूँ और इंग्लिश में आई एम प्लानिंग फॉर हैं व्यूवर्स नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या सेंटेंसेज हैं मन रोज़न इमरोज़ मी खानम मन रोज़न इमरोज़ मी खानम उर्दू में इस तरह से कहेंगे मैं आज का अखबार पढ़ रही हूँ और इंग्लिश में आई एम रीडिंग टूडेज़ न्यूज़ पेपर नेक्स्ट हमारे पास फारसी का सेंटेंस है मन नान साख्तन मेकनम मन नान साख्तन मेकनम उर्दू में इस तरह से कहेंगे मैं रोटी बना रही हूँ और इंग्लिश में आई एम मेकिंग नान और लोफ आई एम मेकिंग नान और लोफ एज यू नो दैट के नान के लिए हम लोफ़ यूज़ कर सकते हैं ब्रेड यूज़ कर सकते हैं ऑल दैट सो so, व्यवर्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें अपनी राय ज़रूर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ठीक है और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अपना बहुत सारा ख्याल रखें मेरे चैनल का भी ख्याल रखें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़